जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। इस समय हम राजौरी पुंछ के नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग सुंदरबनी पर खड़े हैं और आपको बता दें कि मेरे पीछे बिल्कुल सामने ये तहसीलदार सुंदरबनी का कार्यालय है और यहाँ पर इस समय तहसीलदार कार्यालय में रोजमर्रा के कार्य हेतु जितने भी जो जनता यहाँ पर आती है, अर्जी निवेश, यहाँ पर जितने भी जो एप्लीकेशन को लिखा जाता है वो इस समय बैठ चुके हैं और जनता का जमावड़ा धीरे धीरे यहाँ पर शुरू होना, जो तांता लगभग दिन भर यहाँ पर तहसीलदार के कार्यालय में लगा रहता है वह शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा हुआ तहसीलदार का कार्यालय और उसके पीछे मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हॉल्ट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये चेक पोस्ट है और ये बूथ है। यहाँ पर कोविड के लिए यहाँ पर ट्रांजिट कैंप बनाया गया था, जितने भी जो गाड़ियाँ थी उनको यहाँ से आगे जाने के लिए अनुमति नहीं थी और यहाँ पर तमाम यात्रियों का सैंपल लिया जाता था। राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा हुआ ये वह कार्यालय है और ठीक इस कार्यालय की जो चार दीवारी है बिल्कुल राष्ट्रीय राजमार्ग पर सटी हुई है। और राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज बीती रात को एक लोड कैरियर ट्रक जो सरिये से भरा हुआ था और लोड कैरियर ट्रक जो था वह चार दीवारी को तोड़कर इस समय जो फॉरेस्ट का रेंज अधिकारी कार्यालय का जो ऑफिस है उस ऑफिस के अंदर घुस चुका है और चंद ही मीटर की दूरी पे ये आकर रुक गया। अगर ये ट्रक वहां पर नहीं रुकता तो जितने भी जो सरकारी कार्यालय के अंदर चाहे वे रेंज अधिकारी हों चाहे जितने भी और अन्य कर्मचारी हों, यहां पर फॉरेस्टर हों, फॉरेस्ट के गार्ड हों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने भी जो क्लरिकल स्टाफ का जितना भी जो कर्मचारी अधिकारी थे वे कार्यालय के अंदर थे और अगर ये थोड़ी सी दूरी पर अगर ना रुकता ट्रक तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि कार्यालय के अंदर दर्जनों की संख्या में जितने जो कार्यालय के अधिकारी हैं वे कार्यालय के अंदर बैठे हुए थे और अगर ये ट्रक चारदीवारी को तोड़कर किसी कार्यवर्ष, अब किस वजह से ये हादसा हुआ फिलहाल ये जांच का विषय है, तकनीकी वजह से हादसा हुआ, किस वजह से हादसा हुआ और रेंज कार्यालय की ये चारदीवारी को तोड़कर इस समय जो ट्रक था वह रेंजर ऑफिस से मात्र कुछ ही मीटर की दूरी पर रुका हुआ है। तस्वीरों में आप सामने देख पा रहे हैं कि सरिये से भरा हुआ ये ट्रक यहाँ से चारदीवारी को तोड़कर रेंज कार्यालय के अंदर घुस चुका है और बड़ा हादसा हो सकता था अगर ये चंद ही मीटर की दूरी के ऊपर, अगर ये तहसीलदार कार्यालय की जो लगभग यहाँ से 20 से 25 मीटर की दूरी पर तहसीलदार का कार्यालय शुरू हो जाता है और अगर 25 मीटर की दूरी के बाद इस प्रकार का हादसा होता तो ठीक चारदीवारी के पीछे हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि सुंदरबनी कार्यालय तहसीलदार कार्यालय के अंदर जो अर्जी निवेश थे वहाँ बैठते हैं और बिल्कुल चारदीवारी से सटी हुई उनकी चेयर्स होती हैं, कुर्सियाँ होती हैं, जितने भी जो लोग वहाँ पर आते हैं एप्लीकेशन को लिखवाने के लिए वहाँ पर जितने भी जो अर्जी निवेश के पास लोग आते हैं वे ठीक इस चारदीवारी से सटे हुए बैठे होते हैं। अगर ये ट्रक अगर 20 मीटर की दूरी के बाद अगर तहसीलदार कार्यालय की चारदीवारी को तोड़कर अंदर घुसता तो बड़ा हादसा हो सकता था, दर्जनों की संख्या में लोग जो जिनकी वेश कीमती जाने जा सकती थी, लेकिन एक दर्दनाक जो सड़क हादसा था ये हादसा पेश आया और राहत भरी ये खबर है कि ये मात्र 20 से 25 मीटर दूरी पर तहसीलदार कार्यालय से मात्र 20 से 25 मीटर की दूरी पर रेंज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो रेंजर का कार्यालय है उस कार्यालय के अंदर इस समय घुसा हुआ है और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अगर ये ही ट्रक अगर 25 मीटर की दूरी के उपरांत अगर तहसीलदार के कार्यालय के अंदर घुसता तो एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था, दर्जनों की संख्या में लोग जो थे इस ट्रक की चपेट में आ सकते थे और एक हादसा होते होते टला और शुक्र है भगवान का कि ये जो ट्रक था ये रेंज ऑफिस की मात्र 15 से 20 मीटर जो कार्यालय था उसके ठीक डोर से 20 से 25 मीटर पहले ये रुक गया। अगर ये 20 से 25 मीटर आगे चला जाता तो रेंजर का कार्यालय जो था उस कार्यालय को तोड़कर उसके अंदर बैठे हुए जितने भी जो कर्मचारी अधिकारी थे उनको भारी नुकसान हो सकता था, वे उनकी जान भी जा सकती थी, वे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त घायल भी हो सकते थे। सड़क हादसा पेश आया और राहत भरी खबर यह है कि इस हादसे के दौरान किसी भी प्रकार के जान माल के कोई नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर हम इस समय खड़े हैं, जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हम इस समय सुंदरबनी में खड़े हैं और सुंदरबनी का ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये ट्रक वे ट्रक है जो सरिये से भरा हुआ ट्रक है और ये ट्रक चारदीवारी को तोड़कर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो कार्यालय है उस कार्यालय की चारदीवारी को तोड़कर रेंजर के ऑफिस से मात्र 15 से 20 मीटर की दूरी के उपरांत ये रुक गया। अगर ये न रुकता तो मैंने आपको बार बार बताया कि बड़ा हादसा हो सकता था, एक बड़ा हादसा टल गया है इस समय और राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस सड़क हादसे के दौरान किन तकनीकी वजह से यह हादसा हुआ इस फिलहाल तमाम जांच के लिए इस समय पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर दिया गया है, जांच चल रही है और एक सड़क हादसा हुआ और हादसे के दौरान सरकारी कार्यालय की चार दीवारी को तोड़कर इस समय ट्रक जो था वह कार्यालय के अंदर घुस चुका है। मैंने आपको बताया कि ठीक 15 से 20 मीटर की दूरी पर तहसीलदार का कार्यालय था, अगर 20 मीटर के बाद इस प्रकार का हादसा पेश आता तो कई कीमती जाने जा सकती थी। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे बाहू एक्सप्रेस, सचिन राणा के साथ बाहू एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।